आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे। बस आपको शुक्रवार के दिन यह जो 19 तारीख है, ये बहुत ही बड़ा शुक्रवार है। और इसी शुक्रवार के दिन आपको क्या करना है, थोड़ी सी मात्रा में आपको लाल चंदन लेना है, जो कुमकुम होता है, माथे पे तिलक किया जाता है। थोड़ी सी मात्रा में आपको लेकर के हम जहाँ पे बता रहे हैं वहाँ पे ले जाकर इसको रख देना है। हजारों चमत्कार होने लगेगा, आपके घर में चारों तरफ से रुपया पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपकी गरीबी दूर होने लगेगा, आपके सभी कष्ट पीड़ा दूर होने लगेगा और आपके जितने भी पितृ दोष थे सभी खत्म होने लगेंगे, आपके जितने भी रोग थे एकदम सभी ठीक होने लगेगा। तो आइए बतलाते हैं कि आपको शुक्रवार के दिन, इसी शुक्रवार के दिन आपको थोड़ी सी मात्रा में आपको लाल चंदन लेकर कहाँ पे रखना है और कैसे रखना है कि हजारों चमत्कार होगा आपके जीवन में और आपके भी जीवन में हरियाली आएगी, आपकी किस्मत ही चमक जाएगी। तो आइए बतलाते हैं। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। तो आइए बतलाते हैं। यह जो 19 फरवरी है, शुक्रवार, बहुत ही बड़ा शुक्रवार है, आपको थोड़ी सी मात्रा में कुमकुम यानी कि चंदन ले लेना है। लेने के बाद में आपको करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, स्नान कर लीजिए, स्नान करके साफ कपड़ा धारण कर लीजिए और आपको पीपल के पेड़ जो होता है वहाँ पे आपको जाना है और वहाँ पे लाल जो चंदन है आपको पीपल के पेड़ के जड़ के नीचे आपको लाल चंदन को पूरब दिशा की ओर आप घूम जाइए और उसको रख देना है। रखने के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, आपकी जो भी इच्छाएं होंगी एकदम मन में बोल दीजिए और वहां से उससे लाल चंदन से थोड़ी सी मात्रा में चंदन नीचे से उठा करके जहां पे आप रखे हैं उसमें से उठा करके अपने माथे पे लगा लीजिए और वहां से घर वापस आ जाइए और देखिएगा आपके जीवन में हजारों चमत्कार होने लगेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो उठाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा।